ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है जो हुआ भला हुआ। पाप से अपने मन को बचाए रखना और उस मन को पुण्य में प्रवृत्त रखना, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा से बड़ा पुरुषार्थ है। एक बहुत अमीर सेठ थे। एक दिन वे बैठे थे कि भागती भागती नौकरानी उनके पास आई और कहने लगी, सेठ जी, वह 9 लाख का रुपए वाला हार गुम हो गया है। सेठ जी बोले, अच्छा हुआ, भला हुआ। उस समय सेठ जी के पास उनका रिश्तेदार बैठा था। उसने सोचा, बड़ा बेपरवाह है, आधा घंटा बीत गया होगा कि नौकरानी फिर से दौड़ी दौड़ी आई। कहती है, सेठ जी सेठ जी, वह हार मिल गया। सेठ जी कहते, अच्छा हुआ, भला हुआ। वह रिश्तेदार प्रश्न करता है, सेठ जी, जब 9 लाख का हार चला गया तब भी आपने कहा कि अच्छा हुआ भला हुआ, और जब मिल गया तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हुआ भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी ने कहा, एक तो हार चला गया और ऊपर से क्या अपनी शांति भी चली जानी चाहिए? नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। एक दिन सब कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आखिर में आसानी रहेगी। अंत समय में एकदम में छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए दान पुण्य करो ताकि छोड़ने की आदत पड़े, तो मरने के बाद इन चीज़ों का आकर्षण न रहे और भगवान की प्रीति मिल जाए। दान से अनेकों लाभ होते हैं। धन तो शुद्ध होता ही है, पुण्य वृद्धि भी होती है और छोड़ने की भी आदत बन जाती है। छोड़ते छोड़ते ऐसी आदत हो जाती कि एक दिन जब सब कुछ छोड़ना है तो उसमें अधिक परेशानी न हो, ऐसा ज्ञान मिल जाता है जो दुखों से रक्षा करता है। रिश्तेदार फिर पूछता है, लेकिन जब हार मिल गया तब अभी आपने कहा कि अच्छा हुआ भला हुआ, क्यों? सेठ जी ने कहा, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, उसकी सहेलियां खुश थी, इतने सारे लोग खुश रहे हो तो अच्छा है भला है, मैं क्यों दुखी हो? वस्तुएं आए जाए या चली जाए, लेकिन मैं अपने दिल को दुखी क्यों करूँ? मैं तो यह जानता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही होगा, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। मेरे पास मेरे सद्गुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं, हृदय का भी सेठ हूँ। हृदय का सेठ वह आदमी माना जाता है जो दुख में दुखी न हो तथा सुख में अहंकारी और लंपट न हो। मौत आ जाए तब भी उसको अनुभव होता है कि मेरी मृत्यु नहीं है, जो मरता है वह मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसकी कभी मौत नहीं होती है। अच्छा, ओम शांति।